जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं लिब्रा यानी तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, उनके मंथली राशि फल के बारे में। अक्टूबर 2023 में महत्वपूर्ण घटनाएं होने जा रही हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार देखा जाए तो तुला राशि का जो अक्टूबर का महीना है बेहद खास है। करीबन अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो 14-15 घटनाएं तुला राशि के जीवन में घटित होगी। वो 14-15 घटनाएं क्या है, इस कार्यक्रम में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले अक्टूबर का महीना क्यों खास है मैं बताना चाहता हूं। अक्टूबर के महीने में ज्योतिष के अनुसार, ग्रह के अनुसार तीन बड़ी घटनाएं हो रही है। पहला देखा जाए तो 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, पहला प्रभाव। दूसरा देखा जाए तो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी 14 को भी लगेगा और 28 को भी। तीसरा देखा जाए तो 30 अक्टूबर को देखा जाए 18 महीने बाद या 18 साल बाद देखा जाए तो राहु केतु का परिवर्तन देखा जाए तो मीन राशि में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तीन घटनाएं देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में बड़ी घटनाएं हो रही है। चलिए सबसे पहले हम डिटेल में बात कर लेते हैं, पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो तुला राशि वालों की एक कुंडली आ रही है, देखिएगा केतु आपके लगन में बैठे हैं और मंगल, बुध और सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं शनि महाराज, जय हो शनि महाराज की, शनि महाराज जो बैठे हैं वो पंचम भाव में बैठे हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं शनि इस महीने। आप क्या रिजल्ट देंगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ गुरु, चंद्रमा और राहु कहीं ना कहीं देखा जाए सप्तम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर जो भी लव कपल है, दाम्पत्य जीवन जो भी जी रहे, जो जिनकी शादी हो गई, जो रिलेशनशिप में, उनको मैं कुछ एडवाइस भी इस अक्टूबर के मंथली राशिफल में मैं आपको देना चाहूँगा। और लाभ भाव में आपके शुक्र महाराज विराजमान है। चलिए सबसे पहले पहली घटना के बारे में बात करें तो जो लगन भाव में ये जो तुला राशि के केतु बैठे हैं ना, और तुला राशि के जो मालिक होते हैं वो शुक्र है, वो कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हैं और सिंह राशि में जाके बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं और केतु लगन में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना तुला राशि को जबरदस्त गैस की संभावनाएँ होने के योग बनते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी या एलर्जी की प्रॉब्लम केतु के कारण रह सकती है, यानी कि हेल्थ में गैस एलर्जी की समस्या तुला राशि को रह सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपकी तारीफ करते हुए अक्टूबर में नजर आएंगे, आपके मित्र आपकी तारीफ करेंगे, आपके खान पान की, आपके व्यवहार की काफ़ी लोग प्रशंसा करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ तुला राशि वाले ऐसे होंगे जो लाभ भाव में शुक्र, सिंह राशि में शुक्र, मालव्य योग में जो शुक्र पड़ा है उससे उनका इंटरव्यू समाचार पत्र में छपेगा, उनकी बाइट सोशल मीडिया में छपेगी। तो कुल मिला के कुछ तुला राशि वाले नेम फेम भी अर्जित करने वाले हैं, या फिर किसी संस्था से तुला राशि वालों को सोल सम्मान प्रतीक या कोई सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो तुला राशि वालों को सामाजिक रूप से अक्टूबर में कहीं ना कहीं अगर आपको ऑफर आए तो आपको भाग जरूर लेना चाहिए। साथ ही साथ तुला राशि को बड़ी क्रेविंग होगी अक्टूबर के महीने में मीठा खाने की, तो मीठे में तुला राशि को कंट्रोल करना है, नहीं तो शुगर आपका बढ़ सकता है, याद रखिएगा, मीठे की बड़ी क्रेविंग होगी। तो कुल मिला के केतु और शुक्र दोनों ग्रह अक्टूबर में अच्छा और बुरा दोनों तरह का आपको रिजल्ट देंगे। मैं तुला राशि से बात करूंगा, एक तो मीठे का परहेज करना है, दूसरा चाय आप छोड़ दीजिए, क्योंकि चाय आपको अक्टूबर के महीने में एसिडिटी और गैस की समस्या दे सकता है, याद रखिएगा। दूसरी घटना के बारे में अगर बात करें तो धन भाव के यानी मनी मैटर के जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल देखा जाए तो अभी तो कन्या राशि में बैठे हैं लेकिन ये तुला राशि में चले जाएंगे, और तुला राशि में ये 3 अक्टूबर को चले जाएंगे, यानी 3 अक्टूबर से देखा जाए तो मंगल जब तुला राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पिछले महीना जो मंगल कन्या राशि यानी शत्रु राशि में बैठे हुए थे, तो पिछले 1.5-2 महीने में जो तुला राशि का फाइनेंस बिगड़ गया था, अचानक वाहन पे खर्चे हो गए थे, अचानक बिजली के उपकरण पे जो खर्चे थे
या अचानक आपको जो नुकसान चल रहा था, तो कहीं ना कहीं जैसे ही तुला राशि में मंगल का ट्रांजिट 3 अक्टूबर को होता है, वैसे ही आपके तीन बड़े काम होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में, यानी तीन बड़े काम आपके बन जाएंगे, धन संबंधी तीन बड़े काम या इम्पोर्टेंट तीन बड़े काम तुला राशि के बन सकते हैं। अब वो काम क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला तो मंगल खुद भूमि का स्वामी होता है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित जो वाद विवाद पेंडिंग वाग सेल या परचेज जो भी प्रॉपर्टी संबंधित आपका पेंडिंग वर्क है जो आप सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुला राशि के मंगल प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम आपका रुका हुआ बनवाने वाले हैं, पहला चीज ये होगा। दूसरा देखा जाए तो विदेश संबंधी कोई बड़ी डील आपको प्राप्त हो सकती है, या विदेश से संबंधित किसी व्यक्ति से आपको कोई बड़ा काम या बड़ा धन लाभ मिल सकता है। तीसरा अगर देखा जाए तो रुका हुआ धन, जो मार्केट में फंसा हुआ धन था, या फिर आपने दो महीने के अंदर जिस काम में धन इन्वेस्ट कर रखा था, तत्परता से आप मेहनत कर रहे थे, उसका रिटर्न आपको अक्टूबर में आने लगेगा। यानी तुला राशि के अंदर जो मंगल आ गए, इससे आपको धन अब छोटी छोटी किस्तों में प्राप्त होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो खर्चे तो हो रहे हैं अक्टूबर के महीने में, लेकिन इनकम भी आपकी बढ़ रही है। इसी प्रकार से तीसरी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव में अगर देखा जाए तो परिवार भाव के स्वामी है शनि, और शनि कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव में। हालांकि चतुर्थ भाव में भी शनि ही स्वामी है, और पंचम भाव संतान भाव के भी शनि मालिक है। तो अभी हम चतुर्थ भाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि 1 अक्टूबर को शुक्र भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शनि और शुक्र का आमने सामने की दृष्टि आ जाएगी, यानी सम सप्तक योग बन जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को करीबन दिन के 4 बजे के बाद शुक्रदेव भी कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, और शनि और शुक्र आमने सामने देखेंगे और इनका एक सम सप्तक योग बनेगा जो कि परिवार पक्ष के लिए बड़ा लाभकारी है। शुक्र की दृष्टि वैसे ही बड़ी लाभकारी होती है, तो कहीं देखा जाए तो लंबे समय के बाद परिवार के साथ में छुट्टियां बिताने का मौका आपको मिलेगा। किसी फंक्शन में लंबे समय के बाद भाई बहन माता पिता या संतान के साथ में कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा, गिला शिकवा भाई बहन से दूर होने का मौका मिलेगा, और ये जो समय है ना, जो आपका 5 दिन 7 दिन या ये जो समय है, ये जो 5-7 दिन है, ये आपके जीवन में बड़े आनंददायक बीतने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ किसी शादी समारोह में जाने का भी कुछ अवसर मिल सकता है 5-7 दिन, उसमें भी हो सकता है कि आप भाई बहन या आपके फैमिली मेंबर करीब आ जाए, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए जो शनि और शुक्र का जो समसप्तक योग हो रहा है, तो आपकी जो फैमिली मेंबर है वो उनका भी करियर या विद्या में कोई बड़ी खुशखबरी अक्टूबर में मिलने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो समसप्तक योग बन रहा है, शनि शुक्र आमने सामने देख रहे हैं, इसका भाई तुला राशि के पारिवारिक जीवन पे पॉजिटिव असर है, माता पिता पे पॉजिटिव असर, भाई बहन पे पॉजिटिव असर है। इसी प्रकार से चौथी घटना के बारे में बात करें तो संतान भाव में तो शनि देव बैठे ही हैं, यानी संतान भाव में जो शनि देव बैठे हैं, और मैंने जैसा बताया 1 अक्टूबर से शुक्र और शनि का पूरे अक्टूबर सम सप्तक योग बन रहा है, यानी शुक्र की जो 7वीं पॉजिटिव दृष्टि है वो शनि पर आ रही है। तो 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए, चाहे तुला राशि की छोटी संतान है चाहे तुला राशि की बड़ी संतान है, दोनों के लिए अक्टूबर का महीना वंडरफुल रहने वाला है। पहले हम छोटी संतान की बात करें, 1 साल से लेकर और जो जिनकी उम्र 17 साल तक है उनकी अगर बात करें, तो उनका इंटरेस्ट अक्टूबर के महीने में म्यूजिक में खेल में कला में उनका इंटरेस्ट जागृत होगा। साथ ही साथ आपकी छोटी संतान को अपने काम में कुछ ना कुछ अवार्ड या कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, ऐसा युग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के छोटी संतान के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। बात करें बड़ी संतान की, तो बड़ी संतान की बात करें तो 18 प्लस संतान की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नई जो बड़ी संतान है उनकी नई मित्रता किसी से हो सकती है, या फिर
नया प्रेम का इतिहास दोबारा बन सकता है, ऐसा योग तुला राशि का बन रहा है। नए किसी मित्र से आपके अट्रैक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि शुक्र की पंचम प्रेम भाव पे दृष्टि है, जो कि आपके अंदर और अपोजिट पक्ष के अंदर प्रेम जागृत करेगा, तो प्रेम की आपकी बड़ी संतान की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए, यदि आप कुंवारे हैं तो आपके अंदर उसकी शुरुआत हो सकती है, अगर आपकी संतान नहीं है तो फिर आपको ही रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए, आपके अक्टूबर के महीने में कुछ ना कुछ खरीदने के योग हैं, भौतिक वस्तु खरीदेंगे, या तो तुला राशि वाले अपने लिए या अपनी संतान के लिए वाहन खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, या कुछ ना कुछ ज्वेलरी, कोई कपड़े आप खरीदेंगे, परिवार वालों पे धन खर्च करने वाले हैं, अपनी खुशी से अपने भाई बहन के लिए, अपने परिवार के लिए खूब सारे गिफ्ट खरीदने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो खरीदारी का भी भाई आपका, या अगर आपकी संतान है तो बड़ी संतान का योग बनता है। करियर में देखा जाए तो आपके बड़ी संतान के करियर में भी अच्छी खासी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। विद्या में जॉब कर रही है तो जॉब में भी अच्छी खासी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो कुल मिला के संतान पक्ष भी भाई अक्टूबर का महीना अच्छा है। आप बात करें तुला राशि वाले, उनकी जो स्टूडेंट है परिवार से अलग रहते हैं, तो उनकी बात करें तो विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना वैसे तो विद्या के लिए ठीक है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही, यानी 1 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक पेट का गंभीर आपको इन्फेक्शन रह सकता है, पथरी का दर्द रह सकता है, यानी आप हेल्थ से परेशान रह सकते हैं। करियर में देखा जाए तो अच्छा है, नॉर्मल रहेगा, करियर में कोई दिक्कत नहीं है। विद्या संबंधी खुशखबरी आपको मिल सकती है, कहीं पर अगर आपने कोई अप्लाई किया है जॉब के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए कहीं जाने के लिए, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। तो विद्यार्थियों के करियर के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए आधा महीना, खासकर 1 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर तक आप हेल्थ से परेशान रह सकते हैं। 15 अक्टूबर के बाद मित्रों के साथ में कुछ पार्टी में आप जा सकते हैं, दूसरे शहर घूमने जा सकते हैं या मूवी देखने जा सकते हैं। तो कुल मिला के मित्रों के साथ में आनंददायक समय या हेल्थ में आपको रिलीफ 15 अक्टूबर के बाद ही मिलने वाला है। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए ये जो महीना है, ये हेल्थ को छोड़ के बाकी चीजों के लिए अच्छा है। आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर पंडित प्रकाश जोशी जी, अंतर्राष्ट्रीय योग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात प्राप्त हैं। विशेष रूप से योग के क्षेत्र में आपने अद्भुत काम किया है, ज्योतिष के क्षेत्र में भी आपका ज्ञान अगाध है। पूर्व राष्ट्रपति द्वारा आप सम्मानित हो चुके हैं। आपको सम्मानित कर आज की तिथि में हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के नौकरी के बारे में। तो नौकरी भाव में भी देखा जाए तो मंगल और गुरु का समसप्तक योग अक्टूबर के महीने में बन रहा है। इधर शनि और शुक्र का समसप्तक योग है अक्टूबर के महीने में, उधर ही मंगल और गुरु का समसप्तक योग है, यानी बड़ा बदलाव, बड़ी उथल पुथल, बड़ा चेंज आपके ऑफिस में होने वाला है अक्टूबर के महीने में। अब वो चेंज, अब वो बदलाव क्या है, क्योंकि गुरु यानी कि प्रकृति के बदलाव के लिए गुरु जाना जाता है, या फिर गुरु जब भी गोचर में मंगल के साथ में समसप्तक योग बनाता है मित्रों, यानी मंगल और गुरु जब आमने सामने रहते हैं कभी भी गोचर के अंदर, तो हमारे मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव आता है, या तो बॉस या मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव आपको ऑफिस में देखने को मिलेगा। या अक्टूबर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी बुरा काम नहीं करना है, क्योंकि गुरु चंडाल योग भी बन रहा है। तो तुला राशि वाले कोई भी 2 नंबर का काम अक्टूबर में ना करें, या कोई रिस्क वाला काम ना करें, नहीं तो आप फंस भी सकते हैं। यदि आपने ऐसा काम नहीं किया तो ये समय गुजर जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो अक्टूबर का महीना है, चाहे आप गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, कोई रिस्क वाला काम ना करें, कोई बुरा काम, 2 नंबर का काम, एक्स्ट्रा इनकम का काम ना करें, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए अक्टूबर के महीने में या तो आपका स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, या ऑफिस की तरफ से आपको कहीं दूसरे शहर में काम के लिए भेजा जा सकता है, यानी कि मंगल और गुरु के समसप्तक योग से बड़ा ज़बरदस्त अक्टूबर में बदलाव आ रहा है। आप किन किन के जीवन में बदलाव आया, आप अक्टूबर के इस राशिफल में कमेंट में मुझे जरूर लिखें। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की तुला राशि के। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए गुरु, राहु, चंद्रमा तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, यानी कि विष दोष बन रहा है। जब भी चंद्रमा, राहु एक साथ बैठते हैं तो ऐसे में विष दोष बनता है,
यानी थोड़ा आपको दाम्पत्य जीवन में संभल के रहने की जरूरत है। पहले तो मैं प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो भाई अक्टूबर के महीने में छोटी छोटी बातों में बड़ा बदलाव, बड़ा वाद विवाद आप दोनों के बीच में रह सकता है, क्योंकि विष दोष बन रहा है। यानी कि आप अपने पार्टनर को कुछ भी कहेंगे तो वो टॉन्टिंग ही लगेगी, या आप कहना इतना चाहते होंगे इतना सा, लेकिन आप कहते कहते इतना बड़ा उनको बोल देंगे जिस वजह से पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकता है, टॉन्टिंग में आप बोल सकते हैं। तो कोशिश करें कि अक्टूबर के महीने में आप लव कपल अपने पार्टनर से कोई कंप्लेंट ना करें, याद रखिएगा, नहीं तो कंप्लेंट बातों बातों में बड़ी हो सकती है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर है उनका सोना चांदी या कोई आर्थिक नुकसान अक्टूबर में हो सकता है, कोई चीज़ गुम या चोरी हो सकती है आपके पार्टनर की, तो थोड़ा संभल के रहना, पार्टनर की कमियां नहीं निकालनी, याद रखिएगा। अब बात करें पति पत्नी की, तो अक्टूबर का महीना देखा जाए तो आपका पार्टनर, आपके में प्रॉब्लम दूसरी है, आपका बनेगा अक्टूबर में बहुत अच्छा, एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपका पार्टनर माता पिता के हेल्थ को लेकर अक्टूबर के महीने में बिजी रहने वाला है, परेशान रहने वाला है, ऐसा आप पे ध्यान नहीं जाएगा पार्टनर का, अपने माता पिता के हेल्थ को लेकर थोड़ा बिजी रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपका पार्टनर अधिक पूजा पाठ करने लगेगा, यानी कि अधिक पूजा पाठ से आपके अपने माता पिता या आपके फैमिली मेंबर भी पार्टनर के इतने सारे इतना ज़्यादा पूजा पाठ से परेशान होने वाले हैं, यानी कि आपका पार्टनर अजीब तरह के व्रत, अजीब तरह के संकल्प करेगा जिससे कि आपके फैमिली मेंबर भी परेशान होने वाले हैं, इतना सख्त संकल्प करने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो थोड़ा सा आपके सदस्य थोड़ा अक्टूबर में परेशान रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की, तो व्यापारियों में देखा जाए तो गुरु, चंद्र और राहु, ये जो तीन ग्रह बैठे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का जो दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनका अक्टूबर का महीना तीन भागों में बटेगा। पहला 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक देखा जाए तो व्यापारियों का नॉर्मल है, जैसा काम चल रहा है वैसे ही चलेगा। फिर 11 तारीख से 20 अक्टूबर तक देखा जाए तो एकदम से किसी एम्प्लॉय की चोरी पकड़ी जा सकती है, या किसी कर्मचारी की लेट लतीफ़ी या काम में कंप्लेंट के कारण कर्मचारी से वाद विवाद हो सकता है, यानी 11 से 20 तक आपके काम में, आपकी दुकान में बड़े वाद विवाद रहने वाले हैं। 21 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए फिर आपके काम में तेज़ी होगी। तो कुल मिला के देखा जाए अक्टूबर का महीना व्यापारियों के लिए बड़ा मिक्स मैच वाला रहने वाला है। नवीं घटना के बारे में बात करें तो शुक्र आपके नवम भाव में बैठे हैं, यानी कि शुक्र आपकी आपका देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में लाभ भाव में बैठे हैं, मैंने गलती से नवम बोल दिया, ये लाभ भाव में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं, यानी कि देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में आपको आपके इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा, जो आपने FD की है उसका कुछ फ़ायदा होगा, या आपकी प्रॉपर्टी खाली है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो चढ़ने के योग नज़र आ रहे हैं, कोई डील क्रैक होने के योग नज़र आ रहे हैं, नए काम से आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। तो कुल मिला के अक्टूबर के महीने में एक्स्ट्रा इनकम के कुछ ना कुछ सोर्सेज आपके बनेंगे, लेकिन अक्टूबर के महीने में तुला राशि वालों को, खासकर जॉब करने वालों को, बिल्कुल 2 नंबर की इनकम नहीं लेनी, नहीं तो आप फंस सकते हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 10वीं घटना के बारे में, तो सूर्य, मंगल और बुध, ये तीनों ग्रह अक्टूबर के महीने में आपके 12वें भाव में बैठे हैं, यानी जब भी सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं मंगल प्रॉपर्टी का काम कारक होता है, बुध सोच का स्वामी होता है, सूर्य कॉन्फिडेंस का स्वामी होता है, कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, या प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराने वाले हैं, या प्रॉपर्टी को बनाने वाले हैं, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित, घर से संबंधित कुछ ना कुछ खर्चा आप करेंगे, एक तो ये योग नज़र आ रहा है, या फिर आपका स्थान परिवर्तन होगा, या नए काम में आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या उसका विज्ञापन कराएंगे, कुछ ऐसा योग नज़र आ रहा है सूर्य, मंगल, बुध के कारण। तो कुल मिला के देखा जाए तो अक्टूबर का महीना बहुत सारे इवेंट वाला तुला राशि का नजर आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी।